Let's start with question number 4. It says the numbers 2.745 and 2.735 on rounding off to 3 significant figures. हमें क्या करना है, इन numbers को 3 significant figures में change करना है. तो सबसे पहला number जो है वो हमारा है 2.745 और जो second number है वो है हमारा 2.735. अब आप यहाँ पे जो number है जो हमें digit drop out करना है वो कौन सा number है? 5. दोनों ही केस में. अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है, 5 से प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो इट इज़ 4, तो जो आपका ये वाला नंबर है वो अनचेंज रहेगा. तो ये हमारा नंबर बन जाता है 2.74. अब यहाँ पे अगर आप देखो 5 से पहले वाला नंबर 3 है, 3 है इसका मतलब दिस इज़ ऑड, और अगर नंबर ऑड होता है तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है बाय 1. सो दिस विल बी 2.74. तो आपने देखा दोनों ही नंबर्स हमारे किस में चेंज हो गए, 2.74 में. सो राइट ऑप्शन टू दिस इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 व्हिच इज 2.74 एंड 2.74. सो दीज आर द नंबर्स इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 नाउ.